नमस्कार। दंगाइयों का दलन हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उस मानसिकता को कुचल दिया जाए, इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया जाए और दंगा से प्रभावित हुए लोगों को आर्थिक क्षति से की पूर्ति करने के लिए उन दंगाइयों से ही वसूला जाए, किसी भी सभ्य समाज में सरकार का यह नैतिक दायित्व होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है। लेकिन क्या उन दंगाइयों को बचाने के लिए विचारधारा पर यदि चोट पहुंचे तो कानून की संकड़ी गली तलाशी जा सकती है क्या? जब कानून की इन संकड़ी गलियों के रास्ते से उन दंगाइयों को बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ा तो योगी राज ने उसका एक ऐसा हथियार निकाल लिया कि अदालतों को भी दंगाइयों को बचा पाना अब मुश्किल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला लिया है जिसके कारण दंगाइयों के अंदर इस कदर खौफ और डर है। उसका नमूना यह है कि शाहीन साजिश राष्ट्रीय राजधानी में तो हो पाई, देश के अन्य कोने में तो हो पाई, उस राज्य में ना हो पाई जिस राज्य का दंगे का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। दंगाई इस कदर दुबक कर घर में बैठ गए तब जब कुछ दंगाइयों को सरकार ने आर्थिक रूप से दंडित किया, उनकी कुर्की जब्ती कर ली, तब अदालत का सहारा उन दंगाइयों को मिला और हाईकोर्ट ने कहा कि आपने इस तरह के पोस्टर कैसे लगा लिए जो लखनऊ की सड़कों पर चौक चौराहों पर दिखा जा रहा है, उसे हटा लीजिए आप। ये किस कानून के तहत किया गया? अदालत ये नहीं बता पाई कि अब तक जिन थानों में ऐसे पॉकेट मारों, चोरों, बदमाशों के पोस्टर लगते रहे हैं, तस्वीरें लगती रही है, उसके लिए क्या इसी कानून के सहारे उन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सब बताते हैं कई बार कि क्या हमारे यहां कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये सवाल कई बार चौंकाता है कि क्या पॉकेटमारों के लिए, चोरों के लिए, झपटमारों के लिए जब थानों में तस्वीरें लगाई जाती है तो फिर करोड़ों की संपत्ति नष्ट करने वालों या फिर उस नष्ट करने के लिए उकसाने वालों की तस्वीरें क्यों नहीं लगाई जाए, उनकी सामाजिक पहचान क्यों ना की जाए? हाईकोर्ट ने जब सरकार पर सख्ती की तो योगी सरकार ने एक कानून बना दिया, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी अध्यादेश। यह कानून अब अमली जामा पहन चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उस कानून पे मुहर लगा दिया और कानून के तहत अब एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल होगा और क्लेम ट्रिब्यूनल में एक सहायक कमिश्नर के लूप, असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के अधिकारी होंगे और क्लेम ट्रिब्यूनल में क्लेम करने के लिए उसके लिए एक टीम होगी, जो सर्वेयर टीम होगी, जो सर्वे करेगी कि जो क्षति हुई है वो कितने की क्षति हुई है और दंगाइयों से कितना वसूला जाना चाहिए। इसके लिए जो निजी तौर पे लोग हैं वो बस 25 रुपए के एक कोर्ट फीस दे करके आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें कितनी क्षति हुई है। ये सिर्फ निजी तौर पे लोगों के, दुकानदारों और इस तरह के लोगों को होगा। आखिर सरकार ये जान पाए, ट्रिब्यूनल ये जान पाए कि उसे क्षति कितनी हुई है, लेकिन जब मामला सरकारी हो, सरकारी बसों को जलाने का मसला हो, तो ये सरकारी, उस क्षेत्र से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों की होगी। इस तरह से योगी आदित्यनाथ देश के पहले ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वो कई मामले में बड़े ऐसे पहले हुए हैं कि उनके फैसले से खौफ इस कदर कि उत्तर प्रदेश में दंगाई अपने घर में घुस गए। तो सवाल यह है कि जब सरकार के इस फैसले की समझ दंगाइयों को हो रही है, आम लोगों ने मान लिया है कि योगी ने जो ठान लिया है वो करके ही मानेंगे, तो रास्ता निकलने का एक सकड़ी गली हमारी अदालत क्यों देती है, ये एक अहम सवाल है। अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश माथुर के आदेशानुसार दंगाइयों के पोस्टर हटाए जाने चाहिए।
लेकिन ये मामला योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रोक तो नहीं लगाया, लेकिन इसे बड़े बेंच में सुनने का फैसला कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण कानून के मुताबिक हाईकोर्ट इसके ऊपर दोबारा से फैसला नहीं दे सकता। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि हाईकोर्ट से कुछ समय लिया जाए, कि समय सीमा को बांधा जाए। कमाल की बात यह देखिए कि इन दंगाइयों के पक्ष में एक विचारधारा उतरी, और अभी हाल ही में जो बारिश हुई है, बिजली गिरी है, तो एक फर्जी तस्वीरें वायरल की जाने लगी कि सरकार ने जो फैसला नहीं माना अदालत का, तो कुदरत ने फैसला कर दिया और लखनऊ की सड़कों से वो पोस्टर बारिश और आंधी में गिर गई। सोच उस मानसिकता का है कि किस तरह से दंगाइयों के पक्ष में एक मानसिकता, एक विचारधारा के लिए उठती है कि जब सबूत और साक्ष्य हैं कि इन दंगाइयों, इन लोगों ने, जिसमें आईएएस, पूर्व आईएएस दारापुरी हैं, कांग्रेस नेता सदाब जाफर हैं, इस तरह के लोग हैं, कई मौलाना हैं, कई मस्जिद के इमाम हैं, इन लोगों ने प्रवोक किया। अब देखिए योगी के इस फैसले का, अभी तक जब तक कानून नहीं बना था उससे पहले योगी के फैसले का असर इस कदर हुआ कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास को आप उलट कर देखेंगे तो आजादी में भारत को टुकड़े करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही जीती थी भारत विभाजन की मांग को लेकर के। अलग बात है कि लोग गए नहीं, बड़ी संख्या में लोग यहीं रह गए, लेकिन यह सच यही है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा दंगों का इतिहास आप पलट कर देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन सीएए पर क्या हो गया उत्तर प्रदेश को, क्योंकि योगी का डंडा था, योगी ने ठान लिया था कि अब उत्तर प्रदेश में इतिहास, दंगों का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। यह मुलायम के दौर से अलग का दौर है, और इस दौर में जो दंगा करेगा, जो अपनी गुंडागर्दी की ठसक से समाज पर सुपर सरकार बनाने की कोशिश करेगा, योगी का डंडा ऐसा चलेगा। योगी ने यह ठान लिया। अब योगी देश के पहले मुखिया हो गए जिन्होंने जो कानून बनाया है उसे हाईकोर्ट में भी, उसे अदालतों में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये ट्रिब्यूनल जो है वो सिविल कोर्ट का इसके पास दर्जा होगा और इसके पास ये अधिकार होगा, ये कानूनी अधिकार। इसके पास सजा देने का अधिकार नहीं कि किसी को जेल भेजने का, लेकिन इसके पास रिकवरी का अधिकार होगा, और रिकवरी का अधिकार जो है आर्थिक दंड का अधिकार है, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर ये चीजें हो जाएंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी के इस फैसले पर लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के हित में होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी सरकार की होती है कि अपनी जनता को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आपके पास लाख सुविधाएं हों, खाने के लिए असरफियां ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन यदि सुरक्षा का भरोसा यदि आपको लोग किसी समाज में नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं रहते। इसीलिए योगी सरकार ने दंगाइयों से, गुंडों से मुक्ति दिलाने के लिए, उस खौफ से मुक्ति दिलाने के लिए जो कानून बनाया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उस कानून का प्रभाव ऐसा होगा कि दूसरे राज्य भी दंगाइयों, गुंडों, लुटेरों जो सरकारी और निजी संपत्ति को नष्ट करते हैं उन पर सख्ती के लिए दूसरे राज्य भी इस कानून को अपनाएंगे, और हमारी अदालतें भी समझ सकेगी कि दरअसल जनता क्या चाहती है। यदि जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बहुसंख्य जनता यदि ऐसा नहीं चाहती तो सरकार ये कानून कभी नहीं बना पाती, और यदि नहीं चाहती तो दंगाई घर में यूं नहीं घुस जाते। बहुत बहुत आभार। यदि विश्लेषण यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।